अब तक तो आपने देखा या सुना होगा कि मंदिरों में फूल से पूजा होती है, मगर आज हम आपको ऐसी बात बताएंगे, एक ऐसी अनोखी पूजा बताएंगे कि जो कि लाठियों से होती है। जी हाँ, यूपी के बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव में रक्षाबंधन के दिन श्रीनाथ बाबा के मंदिर पर लाखों की संख्या में भक्त अपने हाथों में लाठियाँ लेकर आते हैं और श्रीनाथ बाबा की लाठियों से पूजा और परिक्रमा करते हैं। दरअसल परम्परा के अनुसार यहाँ के किसानों पर अंग्रेज हुकूमत ने जजिया कर लगा दिया था और इस नए जजिया कर से परेशान किसानों ने श्रीनाथ बाबा से जजिया कर से मुक्त कराने का निवेदन कर दिया था। तब श्रीनाथ बाबा ने परेशान किसानों को इन्हीं लाठियों के बल पर अंग्रेजों से लड़कर जजिया कर से मुक्त कराया था। तभी से ये अनोखी लठ पूजा परंपरा यहाँ के लिए चली आ रही है, जो कि सेंगर राजपूतों के लिए परंपरा बन गई है, जहाँ हर साल रक्षाबंधन के दिन हजारों गाँव के लाखों लोग फूलों की जगह लाठियां लेकर आते हैं और लाठियों से पूजा करते हैं। आपको बता दें कि इस पूजा में हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान समुदाय के लोग भी हिस्सा लेते हैं। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ और लोगों के हाथ में लाठियां, ये देखकर पहली बार तो आपने सोचा होगा कि यहाँ कोई लड़ाई छिड़ गई है, मगर चौंकिए मत, क्योंकि ये लड़ाई नहीं है, एक पूजा का सीन है। लेकिन वास्तव में ये पूजा भक्तों के हाथ में फूलों की जगह लाठियां अनोखी है और ये सिर्फ श्रीनाथ बाबा के मंदिर में होता है और लाठियों के संग भक्त इस मंदिर में पूजा के बाद परिक्रमा करते हैं। लठमार भक्तों के अनुसार बलिया के रासड़ा क्षेत्र के महाराजपुर गांव में इस मंदिर में ऐसी पूजा यहां से बरसों से चली आ रही है, यहां की परंपरा है। यहां हजारों गांव के हजारों भक्त अपने हाथ में लाठी लेकर आते हैं और श्रीनाथ बाबा की पूजा करते हैं। बावजूद इसके कोई भी अप्रिय घटना कभी नहीं होती है। इसमें यहाँ के भक्तों का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि ये ऊपर वाले के असीम कृपा से बना रहता है। आस मोहम्मद, आप ये बताएं, चूंकि ये हिंदुओं की पूजा है और चूंकि आप एक मुस्लिम वर्ग के हैं, उसके बावजूद भी आप इस पूजा में भाग ले रहे हैं, क्या क्यों? हर साल आते हैं, हमारी च्वाइस है कि हम सब में मिल कर रहे। अच्छा, तो ये बताइए, लाठियों से ही क्यों पूजा होती है नाथ बाबा की? जी जी हाँ, लाठी से पूजा है, सेंगर की पूजा है ना, सिंगर का पूजा नाथ जी का जो है लाठी से ही पूजा। मतलब इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग? हाँ 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 हाँ, कोई भेदभाव नहीं, सब मिल के करते हैं, सब लोग हम लोग मिल के करते हैं। जब हिंदुस्तान में रहना है तो सब कुछ मिल के ही करना है। शंकर मान सिंह, गुरु प्रधान रसला बाहरी का रहने वाला हूँ। ये जहाँ पूजा हो रही है, ये नाथ बाबा की जन्मस्थली है। यहाँ अनेक मठों पर बारी बारी से लाठी पूजा होती है। बाबा के सारे धर्म के लोग, सारे जात के लोग लाठी पूजा के साथ परिक्रमा अपनी पूरी करते हैं और रोट चढ़ाते हैं। अच्छा, इसका इसकी मान्यता क्या है, जैसे लाठी के बारे में? अब इसकी मान्यता बाबा के सारे लोग अनुयायी हैं, बाबा के बताए गए रास्ते पर सारे लोग अपने घर से निकलते हैं लाठी लेकर के और आपस में लाठी बजा करके सौहार्दपूर्ण अपने घर। मुगलों से इन्होंने गजिया टैक्स लेने से मना किया था, बाद में सुलह सपाट होने के बाद गजिया टैक्स में से नाथ बाबा को टैक्स सरकार आज भी देती है और मुगल साम्राज्य में भी नाथ बाबा को। ये थी मोमशाद अहमद की खास रिपोर्ट।